यहाँ से जाना है, घूम के वापस आना है, तो बोलना तो है नहीं है आज। मेरा कुछ कनेक्शन नहीं, समीर जी ने बुला लिया बस आके, मुझे पता ही नहीं था इधर होने वाला है। चल ठीक था, ऐसे ही बांध के आ गया। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली समीर जी मेरे बहुत ही करीब के इंसान हैं और उन्होंने कहा कि आना है तुम्हें, तो उनको मैं बिल्कुल ना नहीं कह सकता, तो बस पहुंच गया हूं। पता है कि मतलब उन्होंने जितना बताया कि फिल्म बहुत ही प्यार से बनाया गया है और फिल्म बहुत ही नेक इरादे से बनाया गया है। इस फिल्म में एक अच्छी सीख है, अच्छी बात है, ट्रू स्टोरी पर आधारित है ये फिल्म, और आजकल बायोपिक्स या ट्रू स्टोरीज़ पर लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं फिल्में, सो आई एम श्योर कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और जैसे इनकी जो कास्टिंग है, नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे फेवरेट एक्टर हैं, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर हैं, तो उनकी ये फिल्म है, अरशद वारसी जो कमाल के एक्टर हैं, मेरे दोस्त भी हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स ऑफ आर कंट्री, तो बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा सबने काम किया होगा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अरे नहीं नहीं बस बाल लंबे हो गए तो मैं बांध लिया है, बस ऐसा कुछ नहीं, नहीं 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 कोई मेरी एक्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं लोग अलग अलग पैंतरे लगाते हैं, अलग अलग कोशिशें करते हैं कि गाना हिट हो, गाना पसंद आए, और पुराने गानों का एक रिकॉल रहता है, उस वजह से शायद वो कर रहे हैं, तो कुछ उनमें से कुछ गाने पॉपुलर हुए हैं, कुछ गाने उस तरह से नहीं पॉपुलर हुए हैं, लेकिन ये आइडिया तो अच्छी है, अब आके उनको ही पता है जो कर रहे हैं, मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ।